Hey guys, welcome back to Geet's vlog. Hope you guys are doing amazing. And today's video is about school hunt. So for the first time, we are going for my baby's school admission here in Poland. Let's see how it is. Let's explore schools and find out. So we have booked the cab for going to the school and abhi mausam bahut hi acha ho rakha hai, thodi si thandi thandi si hawa chal rahi hai, drizzling ho rahi hai, barish ho rahi hai and bahut hi maza aane wala hai. Let's go and explore the schools. Kian, are you excited to go to school? Yes, okay. Kian is also sitting for the first time. On the child seat. यहाँ पे टैक्सी में बच्चों की चाइल्ड सीट जरूरी है, which is very good and उनको specially belt लगा के बैठना चाहिए because they are very naughty. स्लाइड के पीछे की तरफ. अब वी विल बी गोइंग टू अ किंडरगार्टन सिस्को बिल्डिंग के अंदर ही. आईटी पार्क, सॉरी, सिस्को आईटी पार्क, एंटरप्राइज आईटी पार्क एंड यहीं पे बच्चों का स्कूल है. तो लेट्स चेक, पता चल रहा है कि कहाँ जाना है. मेरा किधर हो रहा है. अच्छा, ओके, अ डायनासोर. ओके, बहुत अच्छी बारिश हो रही है. इट इज अ नाइस डे टुडे. नो वन इज हियर. Sakiman, school, searching for school. Oh no. इतना आने के बाद entrance on the other side of the building. Oh no, we have to go to the other side. Kian. Umbrella जान पड़ा होगा. Wow, कितना अच्छा green view रखा है पूरा. Okay, बचपन की यादें भैया. Full green view रखा है, बहुत ही अच्छा सा. So we are going in and we will see कैसा है टीचर से बात करनी आज फॉर हिज एडमिशन. क्या कर, सो वी आर गोइंग, इज इट लॉक? ओ माय गॉड, उधर से अच्छा. अरे यार, कहाँ कहाँ जाएंगे. कम किया, इधर से नहीं, अंदर से, उधर की साइड से. चलो, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है अपने बच्चे को स्कूल के एडमिशन के लिए. इधर उधर माँ बाप भटक रहे हैं और वो भी इतनी सुंदर लोकेशन पे. तो इट इज़ नॉट भटकना, इट इज़ जस्ट अ फन. ओके, इट सीम समथिंग गुड हियर. तो इधर पास में है, इधर कुछ अच्छा सा है. ओह माय गॉड, एंट्रेंस वो देखो वाला, एक और दरवाज़ा है ना उधर, चेक करो जरा. ये कैसा दरवाज़ा है. ओह माय गॉड, ये भी नहीं है आई थिंक. थोड़ा सा रुक जाते हैं यार, बारिश हो रही है. ठीक है, कि नहीं, लेट्स वेट, डैडी विल गो एंड सी द एंट्रेंस. अब देख के आ जाओ. ठीक है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किधर से जाना, बिकॉज पूरा सर्कल में है बहुत, तो समझ में नहीं आ रहा कि एंट्रेंस गेट किधर से. सो अभी हम लोग को अपने स्कूल का याद आ रहा है, बिकॉज हम भी स्कूल जाया करते थे पेरेंट्स के साथ. बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है. लेट्स सी, टीचर से जाके अभी बात करना है, बात करेंगे एंड सी, देखते हैं. दिस विल बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस अपने बच्चे का एडमिशन के लिए आना जाना. आई एम रियली मिसिंग माई मॉम एंड डैड. मेरे को वो याद आ रहा है जब हम लोग कोई स्कूल में लेके जाते थे साइकिल में एंड वो मेमोरीज फ्लैश हो रही है. लेट्स सी यहाँ के स्कूल का कैसा होता है, कितनी फीस है, सब कुछ डिस्कस करके आना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना पड़ेगा कि अभी स्कूल में लाइक ओपनिंग्स हैं कि नहीं इन लोग के लिए, या आप नए कंट्री में आते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं. ओके, डिड यू फाइंड इट, डिड यू फाइंड इट अरुण? ओके, दैट्स ग्रेट, लेट्स गो. अरे अरे, मेरे लिए भी रुक जाओ. यू बोथ आर गोइंग, आई डोंट हैव अ अम्ब्रेला एंड दिस मोबाइल में पानी ना पड़ जाए. हे देयर,
Wait, this was the gate, right? The same. Hello. Hi. Can you say hi to your teacher? Hello. Excuse me, can I shoot? Can I use camera? No problem. Okay, thank you. So you have to wear the plastic on your right. Shoe. Okay. Exactly. And where shall I keep this one? Let me have it here. I'll just drop it. You can hang it in it. Come in. Okay, it. Because it's quite wet. So I'm okay, just like scared here. That. Yeah. What about that's right. Also? Shoes also? Have you had to no. No. Put the plastic on your shoe and you can yeah. Okay, okay. Hello, my name is Ulla. What's your name? See? He's yeah. Just admired. He is 3 years and around about 6 months okay. Old. So 3 years and 4 months. Okay. Oh, sorry. Easy. Okay, I'm ready. Yeah. Oh, I love you. It's Lily! Yes! Hi, my darling! Oh wow! Hey! You're welcome to Bubble! You want a bubble? Yeah? Oh, I think he's an Indian boy. Maybe. You want some bubble? Yeah, yeah, yeah. Hi. Hi. Hello. Is he from India? Depending on his age. No, is he from India? Yeah. His parents are inside the office. Okay. You know him? But okay. Academic year, we are going to end this academic year in August. Okay. But if you want to start before the academic year, you're ready. You're welcome. Okay, all right. Yes. That sounds good. Because we were just like thinking that shall we wait for the like September or... Because if you can start now, by the time he starts his new academic year. Now he doesn't understand Polish at all. Like he's very new to the country, right? It's normal with so yeah, many it's kids. Normal. We have lots of Indians here. Okay. So yeah. The thing is that now even. Like he speaks English mm-hmm. very well. Yes. He can communicate like mm-hmm. whatever general things are and something, and he has his own way of like playing around. He's and all very those friendly and loves socializing yeah. a lot. He loves to play with kids, like mingle with them, interact with them. Might not be able and to thank speak. Thank you so much. Okay. All right. Let me have a look at. If we can play, you are from? Which Philippines? Philippines. Oh, nice. And then this is my classroom here. Okay. Yeah. Oh, nice. Yeah. Very beautiful. Suppose like 10 students are in the class, mm-hmm. and like both the children, like Indian and Polish. Again, the same question. I'm sorry. Yes. So, what like in the starting, how you will communicate in Polish? You will communicate or English? That is the like thing I didn't understand till now. Okay. Can how you my baby will understand the moment you will go? For example, like if your kid speak in English, yeah. Teacher trying to speak in Polish, okay. But if he responds English, it's okay. Because our Polish teacher also understand English. Okay. So we're trying to not, like English teacher not trying to speak Polish to them. Okay. Because if they know that we speak Polish to the Polish kid, they will think, oh, this teacher knows how to speak. So they will continue speak to you Polish. Okay. So in my, like in English teachers, we speak to them English. If they respond Polish, it's okay. Just ignore them. As long as you can speak to them in English, they will okay, if they are not responding, then they will adapt. They will adapt like later on because they are very smart. Their kids quickly adapt many language. Yeah. And right. This is our schedule here for our like we open the breakfast classes, lunch. But this is what for the kindergarten, okay. And this is for nursery. Okay. Yeah. Fee structure and everything that we have to discuss in the office, right? Yes. So let's go and discuss. Okay, we'll go into office. Like, let's
This is trilingual school. Spanish, okay. Polish, Spanish, Spanish. Spanish, Spanish, Polish, and English. Three language. Kian, will you be able to learn three language? मुझे लगा कि नर्सरी पहले आता है So guys, in Poland, since English is not the primary language here, so we have schools with only Polish, bilingual, where you have Polish and English language, or trilingual category, where you have the third additional language to learn. But वो सब Polish ही सीखते हैं बोलते हैं ना तो फायदा क्या है? हाँ वो फिर ये confused जाएगा फिर दूसरे school में जाएगा तो इसको फिर मतलब ऐसा नहीं है कि सीख नहीं पाएगा सीख तो लेगा continue फिर continue फिर Polish में continue करना पड़ेगा फिर इसको continuously फिर ये English में नहीं जाएगा Let's go home shall we go home no. why let's go home no. why Do you like this school? Do you like your school? Do you like it? Yeah. Say yes, I do. Do you like it, Kian? You want to stay in the school? Yeah. Yeah? Oh, your friend is saying yes. Can I ask what is your name? What is your name? Rudransh Jain. Sorry? Rudransh Jain? Yeah. His name is Kian. He will be your new friend, okay? अभी तो इन्होंने ये सब बताया अभी जस्ट वी हैव टू गो एंड चेक कि कितना स्कूल का फीस है एंड कब से हम क्लासेस का स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू चेक बाकी अच्छा लग रहा है टीचर्स काफ़ी सही लग रहे हैं एंड वॉट एवर दे साइड अब की सेड कि इंग्लिश होगा पॉलिश होगा स्पेनिश होगा थ्री लैंग्वेज आर देयर सो दिस विल बी हिज फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हाउ माय बेबी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स It's time for us also to learn. So Polish is a bit difficult language, but it's good to learn. And so thankfully they allow me to record here and they didn't mind me recording it. So I was fees ka bhi agar aap Polish school mein dalte ho and bilingual mein dalte ho to kafi difference hai fees ka. Guys, the prices and the curriculum will vary based upon the selection you make. Like if you go for Polish only school, which are the most affordable, which will also cover the government schools here. For kindergarten school, fees for Polish only schools start from 400 Polish zloty and can go up to 600 Polish zloty and based on the facilities including meal. And for bilingual, it's rather on expensive side and the standard starting fees is around 1200 Polish zloty. So, आप बाहर कंट्री में आते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इंडिया में आपको ये सब चीज़ सोचना नहीं पड़ता बट दूसरी कंट्रीज़ में आके स्पेशली लाइक जहाँ पे इंग्लिश आपका लैंग्वेज नहीं है कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो अंदर बच्चे हैं वेलकम टू शार्क्स तो अंदर टीचर हैं बच्चे हैं तो वेर इज़ माई बेबी प्लेइंग लेट मी सी वेर इज ओके सो अभी हम लोग को एक इंडियन फैमिली मिली है यहाँ पे एंड थोड़ा उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब दूसरी कंट्री में आपको अपना देश का मिल जाए स्टार्टिंग सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली बहुत ही अच्छा लग रहा है उनसे बात करके थोड़ा अपना पंच आ रहा है So we can go now, right? It's not raining. Okay. Bye bye. See you. Yeah. Let's make a move. We got our friend as well. Chalo. He doesn't want to go. Kini, let's go home now. He's not interested. Where is our umbrella? अभी हम लोग बाहर निकले हैं बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक बच्चे इतने बोर हो गए हैं घर पे कि अभी भी उसको मन नहीं है घर जाने का बिकॉज उसको पता है घर जाके वही घर पे बोर होना है ये वो एंड दिस इज रियली वेरी टफ टाइम फॉर किड्स घर पे बैठो टीवी देखो इधर उधर
बहुत ही मुश्किल है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज नाइस. नाइस. लेट्स सर्च फॉर मोर. लेट्स सर्च. ओके थैंक यू. कम टेक अ ब्रेक. Say hello, John. Hi, Jindo, bro. Somebody. Okay. We have to go, baby. Now we have to go. We will come again. Okay? No. No. Why? No. You want to go to school? Oh my God, you are crying to go to school. No. Oh. We will come again. Don't worry.